प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति से डोनाल्ड ट्रंप के प्रचार मामले में वहां जाकर माफी मांगनी चाहिए, यह कहना है पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का। सिंह ने आज अलवर में कोरोना वॉरियर्स के सम्मान समारोह के दौरान मीडिया से बातचीत में यह बात कही। अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में आज राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान नो मास्क नो एंट्री के तहत कोरोना वॉरियर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह व श्रम मंत्री टीकाराम जूली व सभापति बीना गुप्ता मौजूद रही। इस मौके पर कोरोना काल में विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देने वाले सरकारी व गैर सरकारी सहित 145 वॉरियर्स को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुझे मौका मिला एक बार आप लोगों के बीच में आने का, मैं देखा हाँ वाकई में जान की परवाह इन योद्धाओं को नहीं है, हर जिनके सामने है डर का कहीं जिनके कोई मारने का शिकार नहीं, और जिनसे तो बन पाया तन मन धन सब लोगों ने पूरा सहयोग किया। और खासतौर से मैं कहना चाहूंगा कि हमारे अलवर के लोगों ने तो कमाल कर दिया, यहां ऐसी शिकायत नहीं आई कि हमें खाने का पैकेट नहीं मिला। बाबा साहब यहां ये शिकायत आती थी कि खाने के पैकेट डबल निकल जा रहे हैं, वही इस दौरान मीडिया से बातचीत में सिंह ने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, जागरूक रहने की बेहद आवश्यकता है। मुख्यमंत्री द्वारा चलाए गए नो मास्क नो एंट्री अभियान की सबको पालना करते हुए मास्क अवश्य लगाने चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना जरूर करें। देखिए मैं अलवर की जनता से अपील करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोरोना अभी गया नहीं है, कहीं ना कहीं लापरवाही हम सब बरत रहे हैं क्योंकि इतना लंबा समय हो गया कोरोना चलते चलते, इसलिए हम लापरवाही की तरफ जा रहे हैं। हम अभी भी गांव में जाते हैं, शहर में भी बहुत सारी जगहों पर जाते हैं, देखता हूं मैं कि वहां मास्क नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। पूरे छोटी छोटी ढानियों के अंदर, छोटे कस्बों के अंदर कोई भी मास्क नहीं पहन रहा है, मतलब लगभग 10% मास्क पहन रहे हैं, 90% नहीं पहन रहे। तो कहीं ना कहीं हमारी ही गलती है कि हम जो सावधानी हमें बरतनी चाहिए वो हम नहीं बरत रहे। इस दौरान सिंह ने कहा कि अमेरिका में हुए चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप हार गए हैं, उनके समर्थन में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका में जाकर ट्रंप का प्रचार कर आए थे, लेकिन अब दूसरे राष्ट्रपति से संबंध बनाने के लिए वहां जाकर प्रधानमंत्री को उनसे माफी मांगनी चाहिए। आज सारी बात जब ये चुनाव के अंदर जब माननीय मोदी जी ने बोला था अब की बार ट्रंप सरकार, तो एक तरह से भारत को जो बिल्कुल निष्पक्ष रहा है आज तक, आज़ादी से लेकर अब तक निष्पक्ष रहा है, कभी भी राजनीति के अंदर दूसरे देशों की राजनीति में नहीं पड़ा है, उसको एक एक पार्टी से आपने बांध दिया, तो ये एक बहुत कठिन समय होगा कि अब दूसरा राष्ट्रपति जीत के आए हैं तो ज़रूर भारत की तरफ वो जो एक निष्पक्षता के रूप से हमें देखा जाता था वो ज़रूर दूसरी नज़रों से देखा जाएगा। अभी भी मैं निवेदन करता हूँ प्रधानमंत्री जी को कि वो जाएं नए प्रधान राष्ट्रपति जी से मिलें और उनको बोलें और उनको उनसे एक तरह से क्षमा मांगें, रिग्रेट करें कि हमें मुझे वो शब्द नहीं बोलने चाहिए थे, उसके लिए मैं माफ़ी मांगे उनसे, रिग्रेट करें और फिर एक जो एक रिश्ता एक दूसरे देश के साथ होना चाहिए उसको चलाएं। कार्यक्रम में कार्यकारी जिला अध्यक्ष योगेश प्रधान, पूर्व सभापति अजय अग्रवाल, किशनगढ़वास विधायक दीप चंद खेरिया सहित एडीएम प्रथम रामचरण शर्मा, एएसपी शिवलाल बैरवा आदि मौजूद रहे।